हम ये कह रहे हैं कि घर के अपराध चार हैं, चारों को दे थोड़ा। अभी तो ये कह रहे हैं एक मिनट, बस मैं एक मिनट से एक मिनट भी नहीं लूंगा। आप फाइनेंस डायरेक्टर हैं, आप पेंशनर्स के भी हैं, आप एम्प्लॉइज के भी हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने हमें कैसे सेटिस्फाई करना है, उनको कैसे सेटिस्फाई करना है। हमारी जंग आपने लड़नी है, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, चाहे वो डीजी के साथ हो, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, ये कौन लड़ेगा? आधे लोगों को दे चुके, आधे लोगों को आप कैसे सौ कुछ दे चुके हैं, पे में ज्यादा है, कम दिया हुआ है, पे में से दिया हुआ है, ये हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, कुछ उसमें से दिया हुआ है। दूसरी बात सर, अभी पिछले कैमरा आगे कर ले सराज साहब, जिसमें मुझे भी मैसेज आए हैं बहुत सारे लोगों के, ये जो 5% 5 रुपये हैं पीटी के, सिर्फ पेंशन के हैं, इसमें से अगर पे मिली हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे पास मैसेज इस वक्त पड़े हुए हैं सर, जेई साहब के भी मैसेज और लोगों के, अब अंदाजा लगाएं क्या करें। नहीं आप हमारे पास पैसे तो आपने मैनेज करना सर, एक मिनट असली बात सर, बहस में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि पैसे सर आप एक गुजरातिया को गुजरातिया के सामने पेश कर दिया उन्होंने, आप मेरी बात सर अर्शी साहब उनसे भी यही बात की है आपके, तो हम थोड़ी के भी नहीं हमारा सुनी मौकफ है, एक बात नहीं कोई बात नहीं करनी, एक ही मौकफ है, बस एक मौकफ, आप ना उनको भूखा रखे ना हमें भूखा, बस हम इस पर जाएंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं, इसके अलावा कोई बात नहीं करते, और अगर करेंगे हम नहीं करेंगे। इसी बात पे मेरे साथ दो चार बंदे आ जाए, नहीं इसी बात पे दो चार बंदे जाने ही नहीं, ये हमारा साथ कर्तव्य है। तो हेड में अगर देखा जाए तो पेंशन के हेड में पैसे जो काम आए थे ज्यादा दिए पैसे निकाल के दिए, उसी बात यह है कि ये कह रहे ये पैसे हैं इसके आधा आधा कर दें, कि जैसे आप कह रहे हैं आधा आधा कर दें, इसी तरह बाकी इम्प्लाई जो है, उसमें यूनियन की बात नहीं है, इम्प्लाई जो है वो कहते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया पे का, पेंशन का नहीं किया। इसी तरह आपको पता है कि पेंशन रिफ्यूज भी कर चुकी है फिनांस, एक दफ़ा लेटर भी हमारे पास आ चुका है, लेकिन हमने उसका जवाब दे दिया कि पेंशन हमारी पेंशन है। तीसरी बात यह है कि अब इत्तेहाद की बात आती है, इत्तेहाद में भी वही लोग एम्प्लॉय कहते हैं कि हम चाहते रहे इसलिए हमारा, और बाकी जो आए हैं पैसे हैं वो पे के आए, अब बेहतर तो यही होता कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे आ जाते कोई हर्ज ना होता, सबको मिल जाते, लेकिन अब मिलजुल के बैठ के एक डिसाइड करना, झगड़ना नहीं। जैसे सर पेंशनर बात जरा पे क्लेम करते हैं कि ये फलां पैसे हमारे हैं, ये किसी को न दिए, जैसे 5 रुपये की बात है, फारूक साहब ने कह दिया कि ये 5 रुपये पेंशनर के, और मेरे पास इतने पैसे बड़े पड़े हैं कि अगर इसमें से 1 रुपया भी दिया गया ना एम्प्लाइज को, हम ये कर देंगे और हम क्या कर लेंगे। ये 5 हज़ार बड़े तरीके से डिवाइड करते थे, 1300 दी इसी दिया साहब ने कहा कि ये पेंशनर को बेवा को दे दे, बेवा को चले गए, या पेंशनर को आ दे, पेंशन को दे दिया जाए, आधी पे दे दी जाए, ऐसा भी हुआ। अब अगर इस तरह झगड़ने से होगा तो कोई मसले का हल, झगड़ते नहीं है, झगड़ते हैं, फैसला करें, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो आपने दे दिया हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे है ना, रोटी बराबर ना चाहिए। और आज भी इन्होंने रेडी पाकिस्तान के लोगों को नहीं बुला, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर जो पेंशनर और यूनियन के दरमियान कोई थोड़ी सी खलश पैदा हुई और थोड़ी दूरी हो रही थी, तो जदूर साहब ने पूरे इंटरव्यू किया, तो आप साहब भी मेरे भाई हैं, बाकी तमाम जो पैशनर हैं उनका सलाम पेश करता हूँ। और मैं अपनी खिदमत जैसे पहले कर रहा था, थोड़ा सा मैं मेंटली अपसेट जरूर हुआ, लेकिन मैंने यकीन दिलाता हूँ कि 2 तारीख की इसी सी के अंदर आपकी 3 माह की जो प्रायर थी उनकी पेंशन भी चला अप्रूव होगी, और अगर खुदा ना खासा मेरे मुँह में खास कि अगर वजीर खजाना या सेक्रेटरी खजाना ये बात नहीं करेंगे, तो फिर मैं आपको ये वीडियो पैगाम के जरिए एक तमाम पेंशनरों को ये देता हूँ कि इंशाल्लाह हम जो वजीर खजाना है उसको गाड़ी से उतरे भी देंगे और ऊपर क्यू ब्लॉक फाइनेंस में जाने भी नहीं देंगे जब तक मेरे रेडी पक्सा के लोगों की पेंशन और कम्पोटेशन अदा न करें।